पंचम, पंचम कहाँ हो? तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। क्या बात है? पंचम, मेरे घर वाले ना प्रियंका को देखने जाने वाले हैं। क्या? हाँ, भैया का प्रपोजल लेकर। पता है, जब पापा को पता चला ना कि प्रियंका किशोर अंकल की बेटी है, तो पापा ने तो साफ ना कर दी। पर मेरी मम्मी है ना, मम्मी ने कहा जब लड़की अच्छी है तो हमें फैमिली से क्या करना। अब इसलिए आज शाम हम प्रियंका को देखने जा रहे हैं। शट अप वसुंधरा, अपनी औकात में रहो, समझी तुम? ये मत भूलो कि मैं इस घर की मालकिन हूं। और तुम भी ये मत भूलो कि नमित मुझे अपना चुका है। मेरा इस घर पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा, बराबर का हक। तुम्हारी जैसियों को कोई कुछ भी मान लेना, उन्हें जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं मिलता। जिस घर में रहती हो उन लोगों की दया पर जिंदा रहती हो। मैं जैसा चाहूंगी इस घर में तुम बिल्कुल वैसे ही रहोगी, समझी? और तुम ये भूल गई हो कि इस वक्त मैं तुम्हारी दया पर नहीं, तुम मेरी दया की वजह से यहां खड़ी हो, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे होती तुम। क्या बकवास कर रही हो वसुंधरा? क्या हो रहा है? किस बात पर बहस हो रही? बहस मैं नहीं ये कर रही थी, इन्होंने झगड़ा शुरू किया। मैंने बस इतना कहा कि मैं इस घर के कर्टन चेंज करना चाहती हूँ, तो ये भड़क उठी, मुझे अपनी औकात याद दिलाने लगी। तो क्या बचपन है भाभी? अब घर में क्या इन छोटी छोटी बातों में झगड़ा होगा? नमित, ये तुम मुझसे कह रहे हो? मुझसे, जिसने इस घर के कोने कोने को अपने प्यार से, अपनेपन से सींचा है? ये कल की आई मुसीबत हमारे भाभी, इसका नाम वसुंधरा है, मुसीबत नहीं, समझिया? से झगड़ा शुरू किया। क्या क्या हो क्या रहा है इस घर में? एक सेकंड यहां पे चैन से नहीं रह सकता। एक बात आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, ये इसी घर की मेंबर है, कोई अजनबी नहीं। चलो बस। कहां? अरे चलो, जहां कम से कम 2 मिनट सुकून से बैठ तो सके। अगर ये घर मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा। हमारी तरकीब